तो स्वागत है आपका मेरे चैनल tutelf.com पर। आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब ये जो नेट फोर्स है, जो अनबैलेंस नेट फोर्स है, ये उस बॉडी पे कुछ ना कुछ चेंज लाता है। आज हम उसी चेंज के बारे में पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो हमारे दो चीज़ें कर सकता है, एक तो स्टेट ऑफ मोशन में परिवर्तन या दूसरा उसकी फिजिकल अपीयरेंस में परिवर्तन। अब ये स्टेट ऑफ मोशन है क्या? जैसे मेरी कोई चीज़ चल रही है तो वो हो गई मोशन में। अगर मेरी किसी भी चीज़ की, जैसे ये बॉल की, अगर पोजीशन चेंज होती है जैसे जैसे टाइम बीतता है विद रेस्पेक्ट टू आर रेफरेंस पॉइंट, तो उस केस में ये बॉल मोशन में हुई। पर क्या अभी कोई भी चेंज आ रहा है? नहीं। तो उस केस में ये बॉल जो है वो है अभी रेस्ट पर। तो अगर मैं इस पर कोई फोर्स लगाऊंगी तो ये रेस्ट पर होगी तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में होगी तो रेस्ट पर आ जाएगी। या फिर हो सकता है मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूं, या फिर अगर ये बॉल आ रही है मेरी तरफ और मैं बहुत ही उम्दा एक प्लेयर हूँ तो मैं इसे हिट करूँगी और इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो ये हो गई इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगला होता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस होता है कि जब मैं उसकी शेप और साइज में कोई चेंज लाऊं। जैसे रबर बैंड लो, उसको खींचो, जब उसको खींचोगे तो उसके साइज में चेंज आएगा। ऐसे अगर उसकी शेप में चेंज आए जब आप उस पर फोर्स लगाओ तो वो हो गया चेंज इन द शेप। दोनों को एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं। तो पहला हुआ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये फुटबॉल प्लेयर इस गेंद की डायरेक्शन भी बदल रहा है, स्पीड भी बदल रहा है। और अभी हम देखेंगे कि हो सकते बॉल रेस्ट पे आ गई, अब वो फिर से इसे खेलना स्टार्ट करेगा तो वो रेस्ट का मोशन हो गया। तो इसमें हम सारे के सारे देख सकते हैं, जैसे कि रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, चेंज इन द स्पीड, चेंज इन द डायरेक्शन। एक और देख लेते हैं। ये बॉल है, इस पर मैंने फोर्स लगाया, ये रेस्ट से मोशन पे आ गई, मोशन पे थी रेस्ट पे आ गई, इसकी मैंने डायरेक्शन बदल दी। तो आप फोर्स से उसकी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन कर सकते हैं। अगला है चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे ये जो आटा है, इस आटे पे बंदा बहुत फोर्स लगा रहा है तो उससे आपको दिख रहा होगा कि उसकी शेप बदल रही है। तो ये जो शेप इसकी बदल रही है, इसका मतलब जब इस पे ये फोर्स लगा रहा है तब उसकी शेप बदल रही है। एक और देख लेते हैं। ये मेरी वॉलिन की ट्यूब है, वॉलिनी की। इस पे आप देखिए ये बराबर है सब, मैंने इस पे लगाया फोर्स, ये पिचक गई, इसकी शेप में चेंज आया और ये सारा ऑइंटमेंट आगे चला गया। मैंने यहाँ पे लगाया, सारा ऑइंटमेंट पीछे आ गया, तो इसकी चेंज इन शेप हुआ। अब अगर मेरे पास एक रबर बैंड होता, उस रबर बैंड को मैं स्ट्रेच करती, तो जब मैं उसे स्ट्रेच करती तो उसका चेंज इन साइज होता। मतलब पहले इतना था, उसको मैंने स्ट्रेच किया तो बड़ा हो गया रबर बैंड, राइट? सो दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन कॉज चेंज इन टू थिंग्स। वन इज द स्टेट ऑफ मोशन, नेक्स्ट इज अ फिजिकल अपीयरेंस। जो हमारा स्टेट ऑफ मोशन है उसमें रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, चेंज इन द स्पीड, चेंज इन द डायरेक्शन। नेक्स्ट है फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज चेंज इन द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक बार आगे देख लेते हैं। तो ये एक हमारी टेबल है, इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है सिचुएशन, मतलब क्या हो रहा है, और इसमें दे रखा है कि कहाँ फोर्स लग रहा है। एक डायग्राम भी है टू विजुअली सपोर्ट इट। एंड तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हो रहा है या चेंज इन शेप हो रहा है। सबसे पहले है अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट। तो एक प्लेट पे आटा रखा है और आप उसको प्रेस कर रहे हो, तो जब आप उसको प्रेस कर रहे हो तो उसके मोशन में कोई चेंज नहीं है पर उसकी शेप में डेफिनेटली चेंज है। तो चेंज इन द शेप, यस। एक बार टिक कर देते हैं। स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल। तो ये बाइसिकल पे एक स्प्रिंग है और जब उस पर कोई बंदा बैठता है तो जब वो चलाएगा तो ऊपर नीचे होगा, तो फिर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन होगा ही, रेस्ट से मोशन पे आएगी। और जब वो इतनी है अगर, और जैसे कोई बंदा बैठेगा तो वो दबेगी, तो उस केस में चेंज इन द शेप भी होगा। अगला, अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक। एक रबर बैंड को हुक से बांध रखा है बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इट फ्री एंड, दूसरे एंड को खींच रहे हैं। तो इस केस में उसका जो साइज इतना था, अब आप उसे स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उस केस में देयर इज चेंज इन द शेप। अगला है अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस बिटवीन टू ब्रिक्स। तो दो ब्रिक्स हैं, यहाँ तो बुक दिख रही है पर दो ब्रिक मान लेते हैं, दो ब्रिक है और एक स्केल को रखा है और उसमें सेंटर ऑफ द स्केल पे एक वेट रखा है। तो जैसे आपने वेट रखा वो नीचे की तरफ फोर्स कर रहा है, तो जो मेरा स्केल ऐसा था वो ऐसा हो रहा है।
दिख रहा है आपको? तो उस केस में मोशन में कोई चेंज नहीं आया होता जितना उसका शेप में आया। आई होप दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स इज क्लियर टू यू। जब भी आप कोई इफेक्ट ऑफ फोर्स देखेंगे तो पहले देखिए उसकी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, दूसरा देखिए फिजिकल अपीयरेंस। अगर दोनों पे कुछ फर्क पड़ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि उस फोर्स का उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि ये दीवार है, अगर मैं इस दीवार पे धक्का करूँ तो आपको लग रहा है इस दीवार पे कोई फर्क हो रहा है, क्योंकि मेरा फोर्स वो इफेक्ट लाने के लिए उतना अमाउंट मैग्नीट्यूड है नहीं, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोर्स नहीं हुआ। आई होप इतना आपको क्लियर है। लेट समराइज। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स होते हैं दो टाइप के चेंज से, स्टेट ऑफ मोशन और साइज एंड शेप। जब हमारा स्टेट ऑफ मोशन होता है तो उसमें तीन चीज़ें हैं, चेंज इन द स्पीड, रेस्ट टू मोशन एंड मोशन टू रेस्ट। मतलब कोई चीज़ रुकी है तो चलने लग जाएगी, चल रही है तो रुक जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या उसकी स्पीड घट जाएगी। अगला है साइज एंड शेप। तो आपने देखा होगा कुमार जो है उसको अपने हाथ से शेप करता है, तो अगर वो बीच में उसके गले पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो वो लंबी सुराही बन जाती है। उसको जिस तरह से शेप करना चाहेगा, गुलाई देगा, उस तरह से उसका शेप बदल जाता है या फिर साइज बदल जाता है। दूसरा है इलास्टिक। जैसे मैंने इलास्टिक पे प्रेशर लगाया तो उसकी साइज भी बदल गई शेप। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको पक्का रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको साइंस और मैथ्स से रिलेटेड फर्स्ट टू ट्वेल्थ ग्रेड का कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए प्लीज़ डू चेक आवर वीडियोस, दे आर गुड। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो प्लीज़ आप हमारी वेबसाइट www.tutelf.com पर ज़रूर जाएँ। आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय।